रहे हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। वायु परिवहन यानी हवा से यात्रा या हवा से सामान को ले जाना, हवा मार्ग का, वायु मार्ग का प्रयोग करना, तो सबसे तेज वायु परिवहन है। आज वायु परिवहन तीव्रतम यानी सबसे तेज, आरामदायक, कंफर्टेबल है, और प्रतिष्ठा, इसमें प्रतिष्ठा आ जाती है क्योंकि एक तो थोड़ा महंगा ये ऑप्शन रहता है, थोड़ा महंगा है, लेकिन आप समय बचा लेते हैं, आप बहुत तेजी से पहुंच जाते हैं किसी जगह पे। और वो इसके अलावा एक और चीज आती है कि ऐसे स्थान जो बड़े दुर्गम है, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, जैसे बहुत बड़ा पर्वत है, मरुस्थल है, घने जंगल है, या बहुत लंबे लंबे समुद्री रास्ते, जैसे आपको कनाडा से इंडिया आना है, अब वहां पर तो आप शिप से आने में आपको बहुत समय लग जाएगा, या शिप चलते ही नहीं होंगे, दूसरा आपको शिप चेंज करने पड़ेंगे, या कोई रोड मार्ग या फिर रेल मार्ग तो है नहीं, तो उसका ऑप्शन ही आपके पास बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास है वायु परिवहन। तो सुगमता से हम पार कर सकते हैं इसको, जा सकते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहां पर पहुंचना बाकी परिवहन, बाकी यातायात से मुश्किल होगा। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। ऐसे इंडिया जो वायु परिवहन है, जिसमें हमने इसका कैटेगराइजेशन देखा था, कुछ वायु परिवहन या ये कहें कि विमान सेवाएं कुछ सरकार के पास है, जैसे इंडियन एयरलाइंस हो गई, इसके अलावा और भी उनके सब्सिडरी हैं, इसके अलावा जो गवर्नमेंट के पास नहीं है, प्राइवेट ओन्ड है, जेट एयरवेज हो गया या इंडिगो, स्पाइस, वैसे बहुत सारे नाम हैं, पवन हंस हेलीकॉप्टर, क्योंकि केवल हवाई जहाज की हम बात नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हवा में उड़ती हैं और आपको ले जाती हैं या सामान को ले जाती हैं, उन सब की बात करेंगे तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड के आंतरिक भागों में हेलीकॉप्टर सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। अब आप इसको इस तरह समझिए कि यहां ये अपतटीय संक्रियाएं मतलब क्या होता है, मुंबई हाई है, मुंबई हाई ये मुंबई पोर्ट से थोड़ा दूर है, अब यहां आप कैसे जाएंगे, तो हेलीकॉप्टर से, वहां पर बाकायदा आप मुंबई हाई का अगर अपने चित्र देखा होगा तो एक हेलीकॉप्टर पैड बना हुआ है, हेलीकॉप्टर जाता है वहां पर और लोगों को यहां पर छोड़ता है, लोगों को लेके आता है, बड़ा तेज साधन है। और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जो भी ऐसे इलाके हैं जहां पर चीजों को पहुंचाना है या लाना है, वहां पर पवन हंस हेलीकॉप्टर का उपयोग होता है। हवाई जहाज भी है, जैसे अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं तो अगर आपको यहां तक आना है, जैसे मान लीजिए जहां एयरपोर्ट है, देहरादून तक आना है, तो आपको हवाई जहाज मिल जाएगा। लेकिन देहरादून से आगे जाना है, मान लीजिए आपको किसी ऐसे इलाके में जाना है जहां पर हवाई जहाज या हवाई पट्टी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर हेलीकॉप्टर का उपयोग करेंगे। भारत में दो प्रकार की हवाई अड्डे हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होता है, अंतर्राष्ट्रीय जिसे हम इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहते हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं, यहाँ से अलग अलग कंट्रीज के बीच में विमान सेवा होती है और कार्गो सेवा होती है, सामान जाता है। घरेलू हवाई अड्डा, जैसे अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना हो या कोई और चंडीगढ़ से मान लीजिए सिलचर जाना हो या गुवाहाटी जाना हो, तो ये घरेलू हवाई अड्डा होगा वहां पे। ये आपको चित्र दिख रहा है पवन हंस का, और जो दुर्गम और अगम्य स्थान है वहां पर आप इसका उपयोग करेंगे, ये सेवाएं उपलब्ध हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आती है संचार सेवाओं की। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे अगर मैं किसी से कुछ कहना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, तो अगर वो पास में है तो सामने कह दूंगा, थोड़ा सा दूर है तो टेलीफोन मिला लूंगा, और वो किसी और देश में है तो मैं उसके लिए कोई व्हाट्सएप यूज़ कर लूंगा, फेसबुक यूज़ कर लूंगा, या कोई कॉल यूज़ कर लूंगा, स्काइप यूज़ कर लूंगा, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन अगर मेरा अच्छा है या कम्युनिकेशन होता है तो चीज़ें बड़ी स्मूथ हो जाएगी, एफिशिएंट हो जाएगी। पहले चिट्ठी पत्रियाँ हुआ करती थी, चिट्ठी पत्रियाँ पहुँचती थी 15-15 दिन में। तो जो संचार सेवाएं हैं, संचार के साधन दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रकार तो है व्यक्तिगत संचार, इसमें क्या है कि आप और मैं या मेरी फैमिली वाला आपस में बात कर रहे हैं, पोस्ट कार्ड हम भेज सकते हैं, पत्र, तार, टेलीफोन, ईमेल। तो ये पोस्ट कार्ड, पत्र, तार, इसमें कई चीजें अभी नहीं चलती हैं, जैसे टेलीफोन का की जगह मोबाइल ने ले ली है, लेकिन फिर भी टेलीफोन है। ईमेल सबसे जो इंपॉर्टेंट साधन हो गया है,
जीमेल आप यूज़ करते होंगे, याहू, रेडिफ मेल, ये ईमेल व्यक्तिगत संचार के साधन हो गए, बल्कि प्रोफेशनल भी हो गए। जैसे अगर आप किसी अपने बॉस से बात करना चाहते हैं, किसी कंपनी के लिए किससे बात कर रहे हैं, तो व्यक्तिगत संचार हो गया। जनसंचार का मतलब यह है कि ऐसा संचार माध्यम जो एक जगह से निकलता है, बहुत सारी पब्लिक पे पहुंचता है, बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। जैसे मैगजीन एक अगर आप छाप दी तो मैगजीन कई लोगों तक पहुंच जाएगी। अखबार हो गया, रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस, सिनेमा, सिनेमा एक बनता है, एक मूवी बहुत सारे थिएटर्स में लगती है, लोग इसे देखते हैं। प्रेस जिसे न्यूज़पेपर निकलता है, दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन, अब आप देखिए कितने सारे चैनल आते हैं, कोई न्यूज़ देखता है, कोई गेम्स देखता है, कोई अपने मनोरंजन के लिए देखता है। अखबार, अखबार से हमको सारी चीज़ें पता चल जाती है, साथ में एडिटोरियल भी होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता चलती है, और अपने स्वास्थ्य से लेकर अपने बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं। तो व्यक्तिगत लिखित संचार भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। बृहत्तम मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी ये जो व्यक्तिगत लिखित जो मैंने व्यक्तिगत संचार बताया, ये पूरे विश्व में हम नंबर वन पे है इसमें। तो इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में इसको डिवाइड किया गया है। तो प्रथम श्रेणी की डाक और द्वितीय श्रेणी की डाक में अंतर ये होता है, पहले तो समझ लीजिए कि प्रथम श्रेणी की डाक क्या होती है। जैसे कार्ड, लिफाफा, बंद लिफाफा, कार्ड जैसे लिफाफा है और उसके अंदर आपने कुछ रखा, ऐसे पहली श्रेणी की डाक इसे समझी जाती है, और ये वायुयानों से पहुँचाई जाती है अगर दुर्गम स्थान है तो। द्वितीय श्रेणी की जो डाक है, इसमें रजिस्टर्ड पैकेट होते हैं, किताबें, अखबार, मैगजीन, इनको सेकंड नंबर पे आता है। माना जाता है कि जो आप कोई लेटर किसी को लिख रहे हैं, कोई खत लिख रहे हैं, जैसे इंटरव्यू आपको कॉल आ रहा है खत के तौर पे, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बाकी जो किताबें हैं, एक आध दो दिन लेट भी पहुँच जाए तो इसको देखा जा सकता है। दूर संचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और दूर संचार तंत्र हमारा काफ़ी बढ़िया है। और शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं, यानी कि रूट्स बनाए गए हैं जहां से लेटर या डाक जाएगी। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। कौन से चैनल हो गए? राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल, ये 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। शीघ्रता, चीज़ें शीघ्र पहुंचे, जल्दी पहुंचे। तो जनसंचार मानव को मनोरंजन के साथ, मतलब एंटरटेनमेंट हमको मिलता है, साथ में जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है, अगर हमको हमारे प्रधानमंत्री को कुछ बोलना होता है तो वो आके हमको संबोधित करते हैं न्यूज़ चैनल पे या दूरदर्शन में। सरकार की नीतियां हमें दिखती हैं ऐड के तौर पे, एडवर्टीजमेंट के तौर पे, आपको कहां से मिलती है? मनोरंजन तो मिलता है टीवी से या फिर किसी भी माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। बाकी हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, रेडियो, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, ऐसे बहुत सारे अब एफएम चैनल्स आ गए हैं राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय भाषा में, विदेश के विभिन्न भागों में, अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, पुराने गाने आते हैं, नए गाने आते हैं, नई इन्फॉर्मेशन आती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन आती है, ये सारी आकाशवाणी के थ्रू आती है। टेलीविज़न, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक संदेश का माध्यम है, टेलीविज़न सबके घर में है, एक बार कोई बात उसमें होती है तो वो सबको दिखती है, और विश्व में बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है ये टेलीविज़न। मैगजीन, समाचार पत्र, जो पत्रिकाएं निकलती हैं वो प्रकाशित की जाती हैं भारत में, वर्ष भर इस तरह की बहुत सारी मैगजीन्स हैं। फिल्म, मूवी, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। अब ये देखिए हिंदुस्तान में बॉलीवुड, टॉलीवुड, ऐसे कितने नाम हैं। भोजपुरी फिल्में भी बन रही हैं, आसाम में भी फिल्में बन रही हैं, मुंबई में तो खैर बनती ही बनती है, केरल में बन रही है, तमिलनाडु में बन रही है, उड़ीसा में बन रही है, यहाँ तक जम्मू कश्मीर में भी बन रही है। तो हर जगह पिक्चरें बन रही हैं, और ये जो चलचित्र हैं, पिक्चरें हैं, इनका सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक चलचित्र या मूवीज़ बनने का उत्पादक भी भारत है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम CBFC कह रहे हैं, ये एक ऐसी अथॉरिटी है कि अगर कोई पिक्चर बनती है तो उसको क्या सर्टिफिकेट देना है, किन किन लोगों के लिए सही है, या उसमें कान छाट करनी है, ऐसा तो नहीं कि देश के विरुद्ध कुछ बात की गई है या कुछ समाज के प्रति ऐसी कोई बात की गई है, उसको काटना छाटना या फिर उसको रोकना या सेंसर में लगाना, जैसे एडल्ट दे दिया कोई, इसमें ऐसे चित्र है जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है, एडल्ट सर्टिफिकेशन देना, ये काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का है। और ये इंडिया और भारत से, जो बाहर से जो पिक्चर आई है जो यहाँ लगेगी, उसका भी, फॉरेन फिल्म का भी सर्टिफिकेशन ये CBFC देता है। हम जब बात कर रहे हैं अपनी रेखाओं की, जीवन रेखाओं की, तो व्यापार में हमने बहुत सारी बात की। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब मैं बात करता हूं, तो यहां पर आपको कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ये जो आंकड़े हैं 2010 और 11 के हैं, मैं आपको लेटेस्ट आंकड़े बताऊंगा और इससे हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज कहां है। पहले मैं ये आपको लेटेस्ट आंकड़े बताता हूं, फिर हम यहां दोबारा आएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर से क्या होता है? बैरोमीटर से नापा जाता है, प्रेशर नापा जाता है कि कितना प्रेशर है, यानी कि एक मापने की चीज़ है।
तो राष्ट्र का जो आर्थिक माप है, या यहाँ ये समझिए कि यहाँ इकोनॉमिक की कितनी वैल्यू है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से की जाती है कि व्यापार देश में नहीं विदेश में कितना हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये होता है, व्यापार का मतलब ये होता है कि राज्यों और देशों के बीच में, यानी या तो हमारे स्टेट्स के बीच में, देश हमारे हिंदुस्तान के ही अंदर अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग जगहों के बीच में, या जैसे हम यहाँ से मान लीजिए अरब में भेज रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भेज रहे हैं, तो वहाँ पर व्यापार राज्य और देशों के बीच में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, हो सकता है हमारे यहाँ से कुछ कपड़े जा रहे हो सकता है वहाँ से कुछ खुबानी आ रही हो, वहाँ से खजूर आ रहे हो, यह आदान प्रदान कहलाता है। बाज़ार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर वस्तुओं का विनियम होता है, एक्सचेंज होता है। बाज़ार एक ऐसी जगह जहाँ चीज़ों का आदान प्रदान होता है, विनियम होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच में होता है, जैसे हिंदुस्तान और मान लीजिए पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, चाइना और हिंदुस्तान के बीच में हो रहा है, ये दो देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। समुद्री, हवाई, स्थलीय मार्ग, कोई भी मार्ग, जैसे अगर हमको पाकिस्तान पहुंचाना हो तो वाघा बॉर्डर से पहुंच जाएगा, चाइना पहुंचाना है तो हमारे पास बॉर्डर है, उनके साथ शेयर करते हैं, लेकिन हम जिस जहां से बॉर्डर शेयर नहीं करते वहां पर या तो हम हवाई से भेज देंगे या समुद्री यात्रा से भेजेंगे, जो पास के हैं उनके समुद्री यात्रा हो जाएगी, जो थोड़ा दूर है वहाँ हवाई यात्रा हो जाएगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। तो व्यापार में जो संतुलन है, इसको समझिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, किसी देश के आयात और निर्यात का अंतर, जो इम्पोर्ट हो रहा है, सामान आ रहा है या ट्रेडिंग हो रही है, और जो हम बाहर भेज रहे हैं, इनके अंतर को कहते हैं व्यापार संतुलन। ट्रेड, व्यापार, संतुलन, बैलेंस। तो आयात ले लीजिए, मान लीजिए एक्स इतना आयात होता है और इतना निर्यात होता है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उसे व्यापार संतुलन कहेंगे। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या कहते हैं और असंतुलित व्यापार संतुलन क्या कहते हैं। अगर ये जो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, आई कर देता हूँ इंपोर्ट के लिए, ओ कर देता हूँ, ई कर देता हूँ एक्सपोर्ट के लिए, तो अगर ये निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट का मूल्य आयात के मूल्य से, एक्सपोर्ट का मूल्य आयात यानी कि इम्पोर्ट के मूल्य से अगर अधिक हो गया तो हम ये कहेंगे कि हाँ ये अच्छा है। तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, ये एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट कम है, तो इसका मतलब बढ़िया संतुलन है, व्यापार संतुलन बढ़िया है। लेकिन अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करा रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मंगा रहे हैं अपने देश में और कम से कम चीज़ें भेज पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे ये असंतुलित व्यापार संतुलन है। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अगर अधिक हम आयात करने लगते हैं, मंगाने लगते हैं चीज़ों को भेजने की जगह, उसे हम असंतुलित व्यापार संतुलन कहते हैं। तो अब मैं बात करता हूं कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो अभी लेटेस्ट फिगर मैं आपको दे रहा हूं, इसमें सबसे पहले नंबर पे है मिनरल फ्यूल्स इंक्लूडिंग ऑयल, तेल, ये हमारा इम्पोर्ट आइटम, ये हम मंगाते हैं। जेम्स, प्रीशियस मेटल, जो जैसे कहें जो कीमती पत्थर है वो हम मंगाते हैं। अब इसके बाद जो मशीनरी है, इक्विपमेंट है, यानी जो बड़े बड़े मशीनें के लिए पार्ट्स लगते हैं, मशीन हो गई वो हो गई, और फिर उसमें कंप्यूटर भी आता है, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर, ये भी बहुत हम इंपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो रसायन है वो हम मंगाते हैं, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक के आर्टिकल हो गए, आयरन स्टील भी हम मंगाते हैं, यानी जो लोहा इस्पात है, इसी तरीके से जो एनिमल या वेजिटेबल फैट है, ऑयल है, वैक्सेस है, और जो भी मेडिकल अपरेटस है, यानी जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो भी हम मंगाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल भी मंगाते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल ज़्यादा मंगाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल थोड़ा कम मंगाते हैं। ये हमारे इम्पोर्ट आइटम है जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करते हैं मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल। अब आपको बड़ा सुन के ये अचरज होगा कि हम ये मंगाते हैं और इसी को हम भेजते हैं, मंगाते हैं इसको भेजते हैं, तो आप किन देशों से मंगा रहे हैं ये देखिएगा और किन देशों को भेजते हैं ये भी देखिएगा, ये भी अंतर है। और जो जेम और प्रेशियस मेटल हमने मंगाया ना, उसको परिष्कृत करके, उसको शेप देके, उसको सुंदर बना के हम इसको बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और मशीनरी हमारे यहाँ भी कंप्यूटर बनते हैं, हमारे यहाँ भी मशीनरी बनती है, उनको हम भेजते हैं। जो गाड़ियाँ बनती हैं उनको भेजते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल, फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ हम भेजते हैं। जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, इक्विपमेंट है, वो भेजते हैं। लोहा इस्पात हम उसको और परिष्कृत करके भेजते हैं। और ये कॉटन हम इम्पोर्ट नहीं करते, देखिएगा, ये हम भेजते ही भेजते हैं। कपास हम भेजते हैं, धागे हम भेजते हैं, ऐसी कपड़े और जो अपैरल्स होते हैं, कपड़ों के अलावा जो चीज़ें होती हैं, जैसे गले में अगर गलबंद बांध लिया, इस तरीके से चीज़ें हम भेजते हैं। अब मैं ज़रा आपको यहाँ ले जाना चाहूँगा कि ये आपके यही आंकड़े 2010-11 के क्या थे। तो कृषि वर्षों में से संबंधित उत्पाद, इसमें 9.9%, ये निर्यात की बात कर रहा हूँ मैं। खनिज और अयस्क 4%, रत्न और जवाहरात जो मैंने अभी बताया, जेम्स और प्रेशियस मेटल, ये 14.7%, अगर 100% में देखा जाए। पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें कोयला भी है,
वो 16.8% है, ये हमारी निर्यात की है। और हम जब लेते हैं, ये हम निर्यात के बारे में बता चुके हैं एक्सपोर्ट, अब हम इम्पोर्ट पे आ रहे हैं। तो ये 2010-11 का आंकड़ा है, इसमें पेट्रोलियम और जो पेट्रोलियम उत्पाद है जो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं सबसे टॉप पे है, ये आपका 28.6% है अगर 100% माने हम जितना मंगाते हैं। और जो जेम्स और प्रेशियस मेटल है ये भी सेकंड नंबर पे है 9.4%। इसी तरीके से कोयले का गोला 2.7%, कोयला मशीनरी है 12.56%। और फिर इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे उर्वरक है, खाद्यान्न है, वनस्पति तेल, यहाँ पर देख पा रहे हैं वनस्पति तेल और न्यूज़ प्रिंट, ये इसकी मशीनें जो हम इसमें मशीनरी में हम ले आते हैं, ये सब चीज़ें हम लाते हैं ले जाते हैं। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं ज़रूर बता दूँ कि कुछ बदलाव आया है, अभी हम सॉफ्टवेयर की महाशक्ति हैं, यानी सॉफ्टवेयर बनाना, बीपीओ और सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और ये सॉफ्टवेयर महाशक्ति खासतौर पे जब हम सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और थोड़ा बहुत हार्डवेयर भी आ जाता है, वहाँ पर हम इसको एक्सपोर्ट करके या फिर इसको ट्रेड करके अच्छी खासी विदेशी मुद्रा या फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। पर्यटन एक ये भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पर्यटन की जब मैं बात करूंगा तो ये आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताऊंगा, ये हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पर, और इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि हमारे देश के पर्यटन के क्या हाल हैं अभी। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि पिछले जो 3 दशक थे, 30 साल, उसमें भारत में पर्यटन उद्योग में बहुत वृद्धि हुई है। 2009 की अपेक्षा 2010 में अगर देखें तो 11.8 जो प्रतिशत है लोग ज़्यादा आए हैं, तो इससे हमको 64889 इतने करोड़ का ट्रेड, मतलब बाहर से पैसे हमें मिले हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमें मिला है। फिर 2010 में भारत में 57.8 लाख विदेशी आए हैं, 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग के में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं। 150 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान में इसमें डायरेक्ट काम करते हैं, और इसमें हमारी जो एक कहें हस्तकला है, संस्कृति है, ये भी बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि लोग आते हैं, कहाँ आते हैं, लोग बनारस जाते हैं, लोग हरिद्वार जाते हैं, लोग बालाजी जाते हैं। तो विदेशी पर्यटन भारत में, एक तो विरासत पर्यटन यानी कि हमारे पास जो पुरानी विरासत है, हमारे पास जो अलग अलग महल हैं, जैसे आप ताजमहल देख लीजिए, विरासत पर्यावरण हो गया। और पारी पर्यटन, इको टूरिज्म करने आते हैं, हमारे पास जिम कॉर्बेट वगैरह पार्क है। रोमांचकारी पर्यटन, हमारे यहाँ सब चीज़ों की व्यवस्था है, जैसे आप देखेंगे राफ्टिंग की भी व्यवस्था है और बलून से भी हम कई जगह पे बलून वाली भी चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि रोमांच भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। सांस्कृतिक पर्यटन यानी आप कल्चर देखने आते हैं। चिकित्सा पर्यटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल टूरिज्म, क्योंकि अगर आप एक दांत निकालने गए कनाडा में या फिर अमेरिका में तो आपको इतना पैसा लग जाएगा जिसमें आप हिंदुस्तान में आके जा सकते हैं, तो आइए यहाँ निकलवाइए, पर्यटन भी करिए। व्यापारिक परिवर्तन, कई लोग आते हैं अपना सामान वामान भी खरीदते हैं और पर्यटन भी करते हैं, तो ये पर्यटन जो है हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, खासतौर पर देखिए गोवा में मैंग्रोव वन के पारी पर्यटन हो रहा है, कुफरी का इलाका है अरुणाचल प्रदेश, इतना सुंदर इलाका बहुत कम देशों में देखा गया है, मिलता है। तो यहाँ पर तो हम ड्रीम डेस्टिनेशन में चौथे नंबर पे हैं, फोर्थ बेस्ट हॉलीडे है वही। लेकिन मैं इसको आपको आज के बारे में बताऊंगा। तो इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह हो गई है, क्योंकि हमारे पास अक्षांश देशांतर लेफ्ट राइट में बहुत सारी, हमारे पास मरुस्थल भी है, हमारे पास पठार भी है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास बर्फ भी है, हमारे पास पानी भी है, हर चीज़, नदी भी है, एवरीथिंग भी है। टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्ल्ड ट्रैवल और टूरिज्म काउंसिल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि जो टूरिज्म ने 16.91 लाख करोड़, या कहें कि जीडीपी में जो इसका रोल है वो 9.2%, अगर 100% जीडीपी माने, जो भी हमारी 5 या 7 चल रही हो उसमें 9.2 आता है हमारे टूरिज्म से, 2018 की बात कर रहा हूं। और 42.673 मिलियन जॉब्स, इतने सारे जॉब्स ये इंडस्ट्री देती है, यानी कि जितना भी एम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में 8.1%, 8.1% एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है, टूरिज्म से आता है, पर्यटन से आता है। और इसकी जो ग्रोथ है, या ये कहें कि एनुअल रेट इसका 6.9% है, जो 32.5 लाख करीब करोड़, 32 लाख करोड़ 2028 में हो जाएगा इस ग्रोथ के हिसाब से। अक्टूबर 2015 में जो मेडिकल टूरिज्म हुआ, जो लोग आए अपने, इनको कोई दिक्कतें थी उसको यहाँ इलाज कराने आए, वो बहुत ज़बरदस्त, आप देखें कि $3 बिलियन, और ये 7 से 8 हो जाएगा 2020 तक। इसी तरीके से 2014 में 184298, 1,84,298 इतने पेशेंट्स आए हमारे यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और 10 मिलियन 1 मिलियन होता है 10 लाख, 10 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट, बाहर के जो
विदेशी पर्यटक हमारे पास आए 2017 में, जो 8.89 मिलियन थे 2016 में। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि 8.989 से 10 मिलियन हो गए हम लोग, यानी कि हमारी ग्रोथ जो है पर्यटन में 15.6% की है। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इधर उधर जाते हैं, जैसे अगर सरकारी तंत्र में देखा जाए तो उनको जम्मू कश्मीर जाने के लिए, उनको नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, अंडमान निकोबार जाने के लिए उनको LTC मिलती है, तो यहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ पर इतना 1036.35 मिलियन 2012 में थे, और 2000 अब देखिए किस तरीके से एक इंक्रीज़ हुआ 2011 से, 16.5% इंक्रीज़ हो गया। 2014 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ये सबसे ज़्यादा ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के उभरे हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर ये सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने लोगों के आने, मतलब चाहे वो विदेशी सैलानी हो या हिंदुस्तानी सैलानी हो, ये सारे लोग यहाँ पर आते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, आगरा, जयपुर, खासतौर पे आगरा और जयपुर, जयपुर में बड़ी बहुत ज़बरदस्त विरासत है, आगरा में ताजमहल है। हिंदुस्तान और उसमें स्पेशली मैं दिल्ली की बात करूँ तो हम 28वें नंबर पे हैं जितने हमारे पास लोग आते हैं बाहर से ट्रैवल करने या के या टूरिज़्म करने, पर्यटन करने। और मुंबई 30वें रैंक पे है, चेन्नई 43rd पे है, आगरा 45th पे है, जयपुर 52 पे है, कोलकाता 90th पोजीशन पे है। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।